दोस्तों आज की कहानी है जेठानी जी। आप रिश्ते नहीं निभा रही बल्कि रिश्ते आपको निभा रहे हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जेठानी जी आप इस भूल में मत रहो कि आप सभी को लेकर सलती हैं बल्कि आपको सभी कोई लेकर सल रहा है। रिश्ते आप नहीं रही हैं बल्कि रिश्ते आपको निभा रहे हैं। गुस्से से कनक अपनी जेठानी रसना को प्रति उत्तर दे रही थी। कनक के मुंह से सच्चाई सुनकर रसना को मिर्ची लग जाती है। वो रसोई में बर्तन पटकते हुए कहती हैं, एक तो दो दिन के लिए आती हैं और जबान तो देखो कैंची से भी तेज सलती हैं। ना किसी को करना धरना, बस शब्दों की तीर छोड़ना जानती हैं। अरे मैं लेकर सलती हूँ सबको, तुम नहीं। कनक जरा आकर कुछ दिन अपने ससुराल में बिताओ, तब समझ में आएगा कि कौन किसको लेकर सलता है। बोलना आसान है पर करना मुश्किल। मैंने माजी और बाबूजी को रखा इतने साल, उनकी सेवा की, उनका ध्यान रखा, यहाँ तक कि सभी रिश्तेदारों के साथ मैंने रिश्ते निभाए, न कि तुमने। आज जो सभी रिश्तेदार आ जा रहे हैं वो सब मेरी और मेरे पति की बदौलत, वरना तो कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं है। वाह दीदी, अपने मोह मियां मिठू, आप जो इतना महान खुद को बता रही हैं, जरा लोगों से भी पूछ लीजिए कि कौन कितने पानी में है। आपको क्या लगता है जेठानी जी, रिश्तेदार आपकी वजह से हमें मान सम्मान देते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि लोगों को भी व्यक्ति का व्यवहार स्वभाव दिखता है। मैं भले सब से दूर रहती हूँ पर हमेशा इन लोगों से बातचीत होती रहती है और अक्सर कोई ना कोई रिश्तेदार मेरे घर पर हाजिरी लगाते ही हैं। इसलिए अपने ऊपर गुमान करना बंद कीजिए। हर इंसान अपने लिए समाज और रिश्तेदार बनाता है ताकि किसी उत्सव में उनकी हाजिरी लग सके। और रही बात माजी और बाबूजी की, तो आपको बता दूं जब से मेरी शादी हुई है तब से माजी और बाबूजी अलग घर में रहते हैं। 20 साल हो गए माजी और बाबूजी को आप से अलग रहे और आप कहती हैं कि मैं करती हूँ माजी और बाबूजी का सेवा। हो, अरे आप तो झांकने तक नहीं आती, माजी और बाबूजी को तो सेवा क्या करेंगे। और जब से बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से तो आपके तेवर ही बदल गए हैं। माजी को तो आप नींबू की तरह निचोड़ दिया है, बेचारी हर वक्त रोती रहती हैं। उनके पति का कमाया सब कुछ और उन्हें ही ऐसे सताया जा रहा है। पहले भैया आते भी थे पर आपने तो उनके कान में जहर घोल दिया।
अब तो वो भी माजी को देखने नहीं जाते। रही बात समाज और रिश्तेदारों को लेकर चलने की, तो प्लीज इस भ्रम में मत ही रहे तो अच्छा होगा कि आप सब को लेकर चलती हैं, बल्कि कहना ये चाहिए कि आपको सब लेकर चल रहे हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि सब भैया के कारण आपको इज्जत देते हैं, वरना तो आप कब की सब की नजरों से उतर चुकी हैं। आपकी बोली ही आपका काल है जेठानी जी। आप जिस तरीके से सब से बात करती हैं ना, और सब पर अपना आधिपत्य जमाती हैं ना, वही सबसे बड़ी गलती है। उसी से आपके आसार व्यवहार का पता चल जाता है। उसी तरह आप इतने सालों तक अकेले ही इस घर पर राज कि यहाँ तक कि आपके बात व्यवहार की वजह से माजी और बाबूजी को भी ये घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा। और अब इस घर में माजी आती हैं तो आपको बड़ी तकलीफ होने लगती है, उनका जीना मुहाल कर देती हैं आप। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जेठानी जी, अब हमें भी अपना हक चाहिए और माजी को भी सैन से जीने का अधिकार चाहिए। कनक भड़कते हुए रसना को करारा जवाब देती हैं, हाँ ठीक है ना ले लेना अपना हक, पर एक बात कान खोल कर सुन लो और समझ लो कनक, इस घर के नींव रखने में जितनी मेहनत बाबूजी और माजी ने की है उतनी मेहनत हमने और हमारे पति ने भी की है। बाबूजी के साथ भैया ने भी अपनी पूरी उम्र खपा दी, उनके साथ उनके दुकान में खड़े रहे, तभी तो बाबूजी दो दो मकान बना पाए, वरना देवर जी के भरोसे रहते तो कभी ये सपना पूरा नहीं होता। देवर जी तो बाहर जाकर मजा मस्ती मारे, उनको और तुम्हें क्या पता, जल लेते हुए रसना कहती है। वाह जेठानी जी, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि हमने बाहर रहकर मजा मस्ती मारे, पर आप ये भूल गई कि जो घर से दूर प्रदेश में रहता है उसे क्या क्या झेलना पड़ता है। ऐसे नहीं मिलती कामयाबी जेठानी जी, सफल घिसाना पड़ता है, रोड के खाक सानने पड़ते हैं, तब जाकर कई सालों बाद कुछ अच्छा होता है। आप लोगों के जैसा नहीं कि बना बनाया हाथ में मिल गया, और वो भी बिना किसी मेहनत के। भैया तो दुकान में सिर्फ ड्यूटी निभाते थे, मेहनत तो पापा जी की थी। उन्होंने अपने खून पसीने से एक एक पाई जोर कार घर की नींव डाली है, और आप लोग क्या करते आए हैं, आज तक जिस थाली में खाए उसी में सेध करते चले गए। तभी तो आपने दो दो अलग मकान और दुकान लेकर रख लिए, और बेटी की शादी, बेटों की पढ़ाई सब इसी चोरी किए हुए पैसों से ही तो हुई है, और दुनिया को भोलापन का पाठ पढ़ा रही हैं। कनक सिड़कर कहती हैं, कनक और रसना के बीच बातों का द्वंद्व चल ही रहा था कि उसी समय माजी आ जाती हैं और रसना को फटकार लगाते हुए कहती हैं,
बंद करो अपनी बकवास, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सहारा, मुझे बस शांति प्यार और सम्मान चाहिए। अगर दे सकते हो तो दो, वरना आज के आज ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये सब मेरे पति का कमाया है और इस पर उसी का अधिकार होगा जो मुझे मान सम्मान प्यार देगा, वरना मैं अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दूंगी। माँ जी के मुँह से घर से बाहर निकल जाने की बात सुनकर रसना के होश उड़ गए। 5 करोड़ की संपत्ति रसना ऐसे कैसे अपने हाथों से जाने देती भला। झट से अपनी जुबान पर ताला लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहती हैं, माँ जी आप बिना कैसी कैसी बातों में उलझ जाती हैं, मैं तो सिर्फ कनक की बातों का जवाब दे रही थी। फिर रसना कहती है, माँ जी आप जैसा चाहेगी सब वैसा ही होगा, पर हमें यहाँ से मत निकालिएगा, हम लोग ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे माँ जी। रसना को गिड़गिड़ाते देख माँ जी और कनक मन ही मन कहते हैं, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे